बहुत बड़ा बैट्समैन, उसने डबल सेंचुरी भी करी थी इसी श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ। नया लड़का है, अच्छा बैटिंग कर रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना उसको तो आपको बिल्कुल मतलब दिल को पकड़ना पड़ेगा। के 5 मैच उन्होंने खेले, उनके कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, फ्लैट पिच पे उन्होंने थोड़े से रन कर दिए। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो भी आता है परफॉर्म करके आते हैं, गिल प्लेयर अच्छा है। उम्मीद उससे इतनी अच्छी नहीं जितने मतलब के विराट कोहली से है। किस किसके खिलाफ करेंगे इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, उसके लिए आपको हर बैट्समैन के लिए आपको अपना अप्रोच रखनी पड़ेगी। और मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसकी पूरे टूर्नामेंट में शायद कि आपको 50 भी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2023 बिग टाकरा करीब आ चुका है। यकीनन दोनों जानिब दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। आज हम जानेंगे शुभमन गिल के हवाले से कि शुभमन गिल पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शुभमन गिल जिस तरह IPL में काफ़ी फेमस हैं, दो दो सेंचुरियाँ मारते हैं, लास्ट टाइम जब IPL हुआ उसमें भी लगातार वो सेंचुरी लगा चुके हैं और अपनी टीम को जितवा चुके हैं। तो आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से और यंग क्रिकेटर से जानेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर श्रीलंका की सरजमीन पर वो जो है ना कितने खतरनाक साबित होंगे, क्या टफ टाइम देंगे पाकिस्तानी बॉलरों को। दूसरी जानिब हमारे पास जो बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इसके अलावा नसीम शाह, क्या उसे छुटकारा हासिल करने में कामयाब होंगे। और ये भी कहा जाता है कि शुभमन गिल जो है ना अभी तक IPL में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, इंटरनेशनली बहुत कम वो टेस्ट हुए हैं, तो इस बार इंटरनेशनल मैच और श्रीलंका की सरजमीन और सामने पाकिस्तान की टीम, यकीनन बहुत बड़ा इम्तिहान होगा शुभमन गिल के लिए और वो कैसे इस पर उतरते हैं। इससे पहले पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर्स की और पब्लिक ओपिनियन भी जानते हैं कि शुभमन गिल से किसी तरह खतरा है या नहीं। शुभमन गिल कैसे प्लेयर हैं, सुना है कि वो 200 रन मारते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ सकते हैं क्या? अब किस किसके खिलाफ करेंगे इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप, उसके लिए आपको हर बैट्समैन के लिए आपको अपना अप्रोच रखनी पड़ेगी किस तरह आउट करना है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, विराट कोहली तो चलो ये तो है ही, सबसे पहले शुभमन गिल और सूर्या कुमार, इनको आपको ज्यादा डिफेंड लाता है, उनको टारगेट करना चाहिए कि ये लोग अभी जो है वो मतलब खास तौर से शुभमन गिल तो नया नया आया है ना, उसका तो मतलब बिल्कुल नया लड़का है, अच्छा बैटिंग कर रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना उसको तो आपको बिल्कुल मतलब दिल को पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने देखिए T20 में तो मारे ही है उसने, और भाई बात है ना क्या IPL में भी मारे उन्होंने, और अगर तो हमारे जो भाई श्रीलंका की पिचेस है ना, देखें श्रीलंका की पिचेस स्लो विकेट्स और वो है पूरी बॉलिंग विकेट, स्पिनर विकेट, हमें इनको पकड़ना चाहिए स्पिनर्स के थ्रू। दूसरे मैच अफगानिस्तान मैच में क्या हुआ कि आप देखें कि जब हमें लग रहा था कि शुरू में वो हमें मार रहे हैं, हमारे बॉलर्स को नहीं छोड़ रहे वो, तो आपका काम था आप 6 ओवर बाद ही आप स्पिनर लगा देने तक, लेकिन नहीं लगाया गया स्पिनर, 10-12 ओवर बाद स्पिनर लाया गया, सही है ना। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी थोड़ी सी अपनी कि किनको किस टाइम पे यूज़ करना है, स्पिनर ज़्यादा खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। शुभमन गिल कैसे प्लेयर है, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, लोग कहते हैं कि IPL में 2-2 सेंचुरी भी मारते हैं, और क्या लगते हैं पाकिस्तान के खिलाफ चलेंगे या नहीं? शुभमन गिल अभी मेरे ख्याल से 2 टेस्ट हुए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और ODI भी हुआ है, तो आई थिंक सब में वो 0 हुआ है मेरे ख्याल से। इंडिया में बेहतर खेलते हैं वो तो वर्ल्ड कप में अलग बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि एशिया में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, उम्मीद उससे इतनी अच्छी नहीं जितने मतलब के विराट कोहली से है, तो मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल इतना अच्छा कम बैक कर सकता है। शुभमन गिल बड़े सामने आ रहे हैं IPL में भी उन्होंने 2-2 रन मारे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि अब शुभमन गिल हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ सकता है। देखिए अगर देखा जाए तो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी हालत क्या हुई है कि 5 मैच उन्होंने खेले, उनके कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, फ्लैट पिच पर उन्होंने थोड़े से रन कर दिए, तो इस वजह से वो आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं खेल पाए, तो उससे भी कोई डर नहीं है क्योंकि उनके देखिए उनके स्क्वाड में भी डिसाइड नहीं हुआ क्या खिलाएंगे क्या नहीं, तो अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जब वो सेलेक्ट हो जाते फिर देखते क्या होता है। आउट ऑफ सब्जेक्ट कोई प्लेयर आ सकता है, शुभमन गिल का नाम सामने आ रहा है कि वो उसे जो है ना तैयार कर रहे हैं हमारे बॉलर्स के खिलाफ। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो भी आता है परफॉर्म करके आते हैं, गिल प्लेयर अच्छा है, लेकिन हमारी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इतनी देर किसी को नहीं टिकने देंगे इंशाल्लाह, वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब बहुत अच्छी आ गई है, तो किसी को इंशाल्लाह टिकने नहीं देगी। शुभमन गिल क्या लगता है आपको, ओपनिंग बल्लेबाज हैं तो उससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी तैयारी करनी चाहिए, वो टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को। शुभमन गिल जो है ना वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, उसने डबल सेंचुरी भी करी थी इसी श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ, सही है, और वो असल में मैं जिस तरह देखते हुए आ रहा हूँ वो जो है ना IPL वगैरह में ज़्यादा परफॉर्मेंस करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा उसकी वीकनेस है कहीं ना कहीं। अभी पूरा टेस्ट नहीं हुआ है मतलब, नहीं क्योंकि यंगस्टर है ना, जाहिर सी बात है वो गलती करेगा। अगर शुभमन गिल के साथ नीचे एंड दूसरे एंड पे विराट कोहली या रोहित शर्मा होगा तो वो तब वो जो है ना उसको
सपोर्ट मिलेगा और वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ही साबित होगा कि वो कैसे प्लेयर है। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे शुभमन गिल, आउट ऑफ सब्जेक्ट आ सकते हैं, उनके बड़े चर्चे हैं, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 200 रन भी वो बनाते हैं तो ओपनर भी आते हैं, तो क्या लगता है वो आउट ऑफ सब्जेक्ट आ सकते हैं, मतलब परेशान कर सकते हैं क्योंकि अभी तक सामना नहीं हुआ पाकिस्तानी बॉलर्स का उनका? प्लेयर बहुत अच्छा है गिल, नो डाउट, लेकिन वो आईपीएल के लिए और अपनी इंडिया की क्रिकेट के लिए अच्छा प्लेयर है। मैं समझता हूं कि अगर वो पाकिस्तानी बॉलर खासतौर पे शाहीन हारिस को, नसीम शाह को फेस करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं आप देख लीजिएगा उसकी पूरे टूर्नामेंट में शायद कि आपको 50 भी मिल जाए। शुभमन गिल क्या लगता है, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, 200 रन स्कोर करते हैं तो उससे मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान को? शुभमन गिल जो है वो अच्छा प्लेयर है, बेहतरीन प्लेयर है, उसके खिलाफ पाकिस्तान को मतलब जेन लड़ाना पड़ेगा, वो अच्छा टिकना नहीं देना नहीं, वो अच्छा प्लेयर है। इंडिया में वो लड़का अच्छा है कि इसने आईपीएल में भी परफॉर्म किया है और हिसाब किताब जो इधर उधर खेला है उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है, वो लड़का बेहतर है। शुभमन गिल से बस इनको थोड़ा करना पड़ेगा। शुभमन गिल के हवाले से बताया, वो कब से खेल रहे हैं और कितना जानते हैं आप उनके बारे में, वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो ओपनर आते हैं तो? शुभमन गिल जो है ना वो तो मेरे हिसाब से वो जो है ना लीगों का प्लेयर है, लीग का प्लेयर अलग होता है और इंटरनेशनल का प्लेयर अलग होता है, तो विराट कोहली में ऐसा टैलेंट मौजूद है जो सब उसमें खेल सकते हैं, मतलब वो इन उस लीग में भी खेल सकते हैं और मैच में भी खेल सकते हैं। दूसरी बात आपने शुभमन गिल की, वो भी अच्छा प्लेयर है मगर पाकिस्तान के खिलाफ उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है और विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के ऊपर बोझ साबित हो सकता है। शुभमन गिल के हवाले से क्या तैयारी करनी चाहिए हमें, कहीं वो 200 रन न बना दे पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी जानिब कौन उसकी विकेट लेगा? ये ऐसा तो कुछ नहीं लगता अभी तक क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर भी फॉर्म में, अभी नसीम शाह, तो ऐसा कुछ नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चल पाएगा। तो शुभमन गिल कैसे प्लेयर है आपके ख्याल में, वो खतरनाक प्लेयर है क्या? मेरे ख्याल में तो शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलता है और जब मैंने शुभमन गिल की बैटिंग देखी तो वो डबल सेंचुरी ये करता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नहीं खेल पाएगा। हमारी बॉलिंग माशाल्लाह बहुत तगड़ी है, वैसे जो अब शुभमन गिल के लिए भी तैयारियां कर चुके हैं, जो हमारे शाहीन हो गए तो शुभमन गिल उससे कुछ भी नहीं कर पाएगा।